नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि कटहल हमारे लिए कितना अधिक फायदेमंद होता है। दोस्तों, कटहल एक जादुई सब्जी है। इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फॉलिक एसिड एवं मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कटहल को फल एवं सब्जी दोनों के रूप में खाया जा सकता है। इसके अलावा इसे अचार एवं पकौड़े के रूप में भी तलकर भी खाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कटहल बहुत सारे रोगों से मुक्त करने में काफ़ी लाभदायक है। घावों को भरने के लिए कटहल की जड़ का इस्तेमाल करते हैं। कटहल के बीज कफ और पित्त निवारण के काम आते हैं। भूख निवारण के लिए भी कटहल काफ़ी लाभकारी है। 100 ml कटहल के रस में 125 mg काली मिर्च चूर्ण और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पीने से भूख अच्छी लगती है। दिल के रोगियों के लिए कटहल काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि इसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होती। अगर कटहल के पल्प को अच्छी तरह से मैश करके पानी में उबालें और इसे ठंडा करके पी लें, इसके 1 ग्लास के पीने से ही ताजगी आती है। इसमें काफ़ी आयरन पाया जाता है, जो कि एनीमिया को दूर करके शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है। थायराइड के रोगियों के लिए कटहल काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि इसमें मौजूद सूक्ष्म खनिज और कॉपर होते हैं, जो कि थायराइड के रोगियों के लिए काफ़ी लाभकारी होती हैं। कब्ज की समस्या को दूर करने में कटहल काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कटहल अल्सर और पेट के इन्फेक्शन से भी बचाता है। कटहल में विटामिन ए एवं विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा यह बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। हड्डियों के लिए कटहल काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि कटहल में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए भविष्य में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने देता। इसमें मौजूद विटामिन ए की वजह से यह आँखों और स्किन के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ में वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।